आज हमारे साथ बौद्ध धर्म के जानकार सुधीर राज सिंह जी हैं और हम उनसे जानेंगे कि पाली में संविधान का मतलब क्या है और हमें उसे क्यों मनाना चाहिए। सुधीर राज सिंह जी बताइए हमें। पाली में एक शब्द होता है धा। धा मूल शब्द है। धा का अर्थ है, मतलब है धारण। धा से पहले अगर वी लगा देते हैं विधा हो जाता है या विधि हो जाती है। दोनों का ही अर्थ पाली में सेम है, विधा का भी और विधि का भी। विधा और विधि का मतलब है ढंग या प्रकार या मैनर या तरीका या तौर। और अगर ने लगा देते हैं बाद में तो ये शब्द बन जाता है विधान। विधान ने लगते ही ये आदेशात्मक हो जाता है, आज्ञावाचक हो जाता है। विधान का मतलब है कि ये आपको आज्ञा है, ये आपको करना है, ऐसा माना जाता है। इसको आज की भाषा में नियम बोलते हैं। और अगर विधान से पहले इसमें हम सम लगा देते हैं तो सम का मतलब है एक समान, यानी जो नियम है वो सबके लिए एक समान आदेश देता है, तो वो हो जाता है संविधान। और संविधान में अगर हम सम्यक और लगा दें पहले तो सम्यक माने सही, यानी सही एक सा आदेशात्मक नियम। ऐसे करके इसको सम्यक संविधान बोलते हैं। सम्यक शब्द का प्रचलन ज़्यादा नहीं है पाली के समय। भगवान के समय भगवान सारी बातों में सम्यक का इस्तेमाल या सम्यक का उपयोग करते थे, मगर अब ये अंडरस्टूड है, ये माना जाता है कि सभी जितनी भी चीज़ें हैं वो सही करनी है, इसलिए सम्यक शब्द एक तरह से साइलेंट चलता है। तो बचा संविधान, यानी कि समतावाचक, जो सम नियम दे, सम विधा दे, सम विधि दे, और जो उसका पालन करता है उसको विधायक बोलते हैं। ये भी पाली का शब्द है। संविधान 70 साल पहले से भारत में नहीं था। भारत में जो और विधियां चल रही थीं, जो और नियम चल रहे थे, वो संविधान नहीं माने जा जाते थे। वो सारे के सारे विधान या विषम विधान माने जाते थे। 70 साल पहले लगभग पूरे देश में जब संविधान बना, संविधान लागू हुआ, तो एक खुशी का वातावरण हुआ कि अब सभी को समानता की शिक्षा, समानता का आदेश, समानता का भोजन, समानता की नींद, समानता की इज्जत, यानी हर चीज़ सबको समान मिलेगी। इस उपलक्ष्य में, इस खुशी में, दुनिया में जहाँ जहाँ भी संविधान लागू हुए हैं, जहाँ जहाँ भी संविधानिक नियम बने हैं, जहाँ जहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन बनते हैं, उनका एक दिन होता है। उस दिन को वो उत्सव के रूप में मनाते हैं और अधिकतर देशों में इसकी छुट्टी भी होती है। भारत में इसकी छुट्टी नहीं होती है, मगर इसको मनाने का प्रचलन पिछले करीब 10-12 साल से बहुत तेज़ी से आया है। पिछले साल लगभग 2000 से ज़्यादा कार्यक्रम पूरे देश में इसके लगे और इस साल लगभग 3,500 के करीब कार्यक्रम पूरे देश में लग रहे हैं और लगातार बढ़ते जा रहे हैं। गांव-गांव में और शहर-शहर में भी संविधान उत्सव या संविधान दिवस मनाने के कार्यक्रम लग रहे हैं। लोग इसको क्यों मनाते हैं? लोग इसको इसलिए मनाते हैं क्योंकि बुद्ध के समय में संविधानिक व्यवस्था 16 के 16 जनपदों में थी। बुद्ध के बाद बुद्ध ने ये विधान बनाए, संविधान बनाए, और बुद्ध के बाद ये सारी व्यवस्था लगभग 500-550 साल तक चली। उसके बाद बृहन्दत्त की हत्या के बाद में संविधान की रूपरेखा और संविधान लागू होना भारत से खत्म हो गया, गायब हो गया। और इतने 2000 साल के बाद लगभग जाके 70 साल पहले फिर संविधान बना। तो संविधान की महत्ता उन लोगों को पता है जिन्होंने विषम विधान में ज़िंदगी जी है। हालांकि संविधान बनने के बाद और संविधान लागू होने के बाद अभी विषमताओं का दौर है, मगर फिर भी ये उम्मीद और इस आशा के रूप में कि एक ना एक दिन संविधान पूरी तरह से लागू होगा और इसको पूरे देश में उन्नति और पूरे भारत में ये प्रगति के तौर पर माना जाएगा, लोग इसका धूमधाम से उत्सव मनाते हैं। 26 नवंबर 1949 को ये पहली बार अंगीकृत हुआ था, एडॉप्ट हुआ था। 284 लोग थे जिन्होंने इस पर साइन किया, पूरे देश ने इसको माना। तब से लगातार इसका उत्सव धीरे 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 पूरे देश के अंदर, तमाम देश के अंदर बढ़ता जा रहा है। संविधान बहुत इम्पोर्टेंट दस्तावेज होता है किसी भी देश के लिए, क्योंकि देश के हर नागरिक को वो चलाता है, हर चीज़ इसके हिसाब से चलती है। एक अकेला आदमी जो जंगल में रहता हो या पृथ्वी पर रहता हो या यूनिवर्स में रहता हो, उसे किसी विधान की आवश्यकता नहीं होती, मगर वो आदमी अगर मोहल्ले में, घर में, दफ्तर में,
कार में, सड़क पर, जहाज में, रेल में या कहीं भी ऐसी सार्वजनिक जगह जाएगा, पब्लिक प्लेस पर जाएगा, तो वहाँ उसे कुछ नियम पालन करने होते हैं। ऐसे ही किसी भी देश में जो नागरिक रहता है उसे देश के नियम पालन करने होते हैं। ये नियम और उपनियम पूरी दुनिया में चलते हैं जिनसे दुनिया सुचारू रूप से चलती है। और भारत का जो संविधान है वो विश्व में बहुत ही ज़्यादा माना जाता है। लगभग 20 देशों ने इसको अडॉप्ट किया है, यहाँ से रूपरेखा ली है। इसको सबसे सशक्त माना जाता है। सशक्त इसलिए माना जाता है क्योंकि ये बहुत ही मजबूत भी है और ये बहुत लचीला भी है। इसको आप अपने नियम के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार, समय के हिसाब से इसमें आप संशोधन कर सकते हैं, इसको बदल सकते हैं और इसको ठीक कर सकते हैं। ऐसी नियमावली पिछले 2500 साल में अभी तक भी नहीं आई है। ये सबसे ज़्यादा इसलिए प्रचलित में है क्योंकि इसमें पूरे देश का समावेश है और ये जनतंत्र द्वारा गणतंत्र बनाता है। और इसलिए इसकी खासियत इस बात में भी आती है कि ये सभी भाषा, सभी धर्मों को भाई भाई का नारा दे देता है। एक ये अकेली किताब ऐसी है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, धर्म, बौद्ध, जैन, जितने भी पंथ के लोग हैं वो सब बराबर और भाई भाई माने जाते हैं। इसी में वो खासियत है कि एक सड़क चलता आदमी भी प्रधानमंत्री के पोस्ट पर जा सकता है, एक पढ़ा लिखा आदमी सरकार की किसी भी पोस्ट पर जा सकता है, विधायिका में काम कर सकता है, एक सड़क चलता आदमी भी जज बन सकता है, कोई भी आदमी कोई भी काम कर सकता है। इसमें सारे कामों की स्वतंत्रता है, कोई भी आदमी कहीं भी अपनी अभिव्यक्ति बोल सकता है, जो उसमें मन में बात आती है वो मीडिया में, टीवी पे शेयर कर सकता है। सारी आज़ादियाँ इसके अंदर जो एक मनुष्य के लिए होती हैं उसके फंडामेंटल राइट के तहत में, जो कि इसकी सबसे बड़ी नींव है, उसके तहत में दी गई हैं। और इसके अंदर इसको कभी भी बदला नहीं जा सकता क्योंकि इसको में बदलने का प्रावधान नहीं है। आपको कोई परेशानी है तो आप इसके कहिए और इसमें प्रावधान है कि आप अपनी परेशानी करके उसमें एक अमेंडमेंट, एक संशोधन ला सकते हैं। इसलिए ये सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छा संविधान है। इसको मनाने का उत्साह पूरे देश में है। बहुत सारे लोग एक दूसरे को ग्रीटिंग्स देते हैं, कुछ मिठाई बांटते हैं, बहुत सारी सेमिनार हैं, बहुत सारे जगह जगह रैलियाँ हैं, संविधान की रैली है, साइकिल रैली है, कार रैली है, कहीं बुद्ध विहारों में, कहीं धर्मस्थलों पर, कहीं बैठकों में इसका लगातार दौर जारी है। जो भारतीय है, जो भारत का रहने वाला है, जिसको देश में विश्वास है, जो देशभक्त है, वो इसको जरूर मनाते हैं, धूमधाम से मनाते हैं, क्योंकि ये देश की संपदा है और हमारे भारतीय होने का सबूत है। हम भारतीय हैं इसलिए हमें संविधान को सर माथे रख के मनाना चाहिए। ये हमारी सबसे अनमोल और खूबसूरत किताब है, दुनिया की सबसे बेहतरीन किताब है। इसको हमें पढ़ना चाहिए, इसे पढ़ाना चाहिए, इसको समझना चाहिए। इसमें नारियों के लिए, खासतौर से महिलाओं के लिए आज़ादी का दस्तावेज एक खजाना छुपा हुआ है, क्योंकि महिलाएं इस दस्तावेज से पहले, इस किताब से पहले इतनी आज़ाद नहीं थी। उनको जमीन का, जायदाद का, उनको पढ़ाई का, लिखाई का सारे अधिकार इस किताब की वजह से मिले हैं। इसलिए ये किताब देश की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। ये किताब इतनी इंपॉर्टेंट है कि इस किताब के आने के बाद से देश में कभी कोई भी भाग ऐसा नहीं हुआ जो देश अलग हो। इसने देश को इंटीग्रेट किया है, समग्र किया है, समग्र इसमें विकास किया है। धन्यवाद।